मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वाक्य का टॉपिक करेंगे। वाक्य का टॉपिक सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे एस टेट, सी टेट, एच एस सी, एन वी एस, के वी एस, इन सभी में हिंदी व्याकरण में वाक्य का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे मैंने कहा मोहन खेलता है, यानी कि मोहन भी सार्थक शब्द है, खेलता भी है भी। जब इनको जोड़कर बोलती हूँ मोहन खेलता है, तो ये एक वाक्य बन जाता है। किन का? शब्दों का सार्थक समूह बन जाता है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। व्याकरण के चार अंगों में से वाक्य तीसरा अंग है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वाक्य विचार में से ही हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, और चौथा है पद विचार। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं? पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले आता है सरल वाक्य। सरल का मतलब बिल्कुल सिंपल, साधारण। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। अब हमें ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और जो कर्ता का विस्तार होता है वो विधेय होता है। यानी कि मोहन खेलता है, तो मोहन उद्देश्य है और खेलता है ये इसका विधेय है। तो हमने जान लिया कि सरल वाक्य हम कैसे पहचानेंगे। जहां वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, वहां सरल वाक्य होगा। नंबर दो आता है संयुक्त वाक्य। किसे कहते हैं? संयुक्त मीन्स होता है जोड़ना। संयुक्त वाक्य किनको जोड़कर बनाया जाता है? दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जब किसी संयोजक शब्द से जोड़ा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो संयुक्त वाक्य में साधारण वाक्यों के मेल को ही कहा जाता है संयुक्त वाक्य। संयोजक शब्द कौन कौन से आएंगे? तथा, एवं, या, इसलिए, अतः, लेकिन, किंतु, परंतु, अन्यथा, और, बल्कि। एग्जाम में किस प्रकार से पूछते हैं? जैसे उन्होंने सेंटेंस में एवं दे दिया, एवं मीन्स इस प्रकार। पहचानिए कौन सा वाक्य है, वहां संयुक्त वाक्य होगा जहां एवं आया। तथावर्ड दे दिया वाक्य में, पहचानो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो कहने का मतलब ये है कि ये संयोजक शब्द जहां भी आपको वाक्य में दिखाई दे, तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। तथा, एवं, या, इसलिए, अतः, लेकिन, किंतु, परंतु, अन्यथा, और, बल्कि। ठीक है, तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? मिश्रित मीन्स मिश्रण किसका? एक प्रधान उपवाक्य होता है। उपवाक्य क्या होता है? वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य कही जाती है। एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जिस वाक्य में, वहां मिश्रित वाक्य होते हैं। और मिश्रित वाक्य में संयोजक शब्द क्या क्या जोड़ेंगे हम? यानी कि, क्योंकि, जो, जैसा, वैसा, जिसका, जिसके, जब, तब, जो, क्यों, जितना, उतना, यदि, यद्यपि, तथापि, तो। ये सब जहां पर आएंगे वहां पर कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य होगा। तो हम पहचान कैसे करेंगे? उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, की वर्ड आ गया, पहचान लेंगे कि मिश्रित वाक्य है। वह गया ही था क्योंकि उसे काम था, क्योंकि वर्ड आ गया, मिश्रित वाक्य है। जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, जो, वो, जहां पर आए वहां भी मिश्रित वाक्य होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा वर्ड आ गया, हमने पहचान लिया मिश्रित वाक्य है। जिसका, जिसके, जिसका तुम जिक्र कर रहे थे वो आ गया। तो जिसका, जिसके, जब, तब, जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो जब तब जहां आएंगे वहां मिश्रित वाक्य होगा। जो, त्यों, जो ही मैं गया त्यों ही वह आ गया। तो जो, त्यों वर्ड जहां पर आएंगे वहां पर मिश्रित वाक्य होगा। जितना, उतना, उतना ही खाओ जितना पच सके,
जितना उतना वर्ड आ गया यहाँ पर मिश्रित वाक्य है। यदि यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता हासिल करोगे, यदि वर्ड आने से यहाँ मिश्रित वाक्य है। यद्यपि तथापि ये संस्कृत के वर्ड हैं, लेकिन जहाँ ये आए वाक्य में वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। तो वर्ड भी जहाँ पर आएगा वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। तो बेटे हमने जान लिया कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य कही जाती है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा की पूर्णतः इकाई क्या होती है, तो पूर्णतः इकाई वाक्य होती है, ठीक है। वाक्य के रचना की दृष्टि से तीन भेद होते हैं। नंबर एक सरल वाक्य, जहाँ वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वहां सरल वाक्य होता है, जैसे मोहन खेलता है या सीता पढ़ती है, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त में जोड़ना, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जब किसी संयोजक से जोड़ा जाता है, संयोजक शब्द कौन से लेंगे हम, तथा, एवं, या, इसलिए, अतः, वो नहीं, मैं नहीं गई, इसलिए नहीं आया, तो इसलिए वर्ड आ गया, इसलिए संयुक्त वाक्य है। अतः, लेकिन, किंतु, परंतु, अन्यथा, और, बल्कि, ये योजक शब्द है, ये जोड़कर हम सरल वाक्य से संयुक्त बना सकते हैं। और संयुक्त वाक्य को हम कि, क्योंकि, जो, जैसा, वैसा, जिसका, जिसके, जब, तब, ये वर्ड लगाकर हम उसको मिश्रित में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं, या तो वो वाक्य में दे देते हैं, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता हासिल होगी, तो हमें पहचानना होगा कौन सा वाक्य है, नीचे चार ऑप्शन दे देंगे। तो यदि वर्ड आ गया मिश्रित वाक्य है, यद्यपि आ गया, तथापि आ गया, तो आ गया, जितना उतना, जो, त्यों, की, क्योंकि, जो, जैसा, वैसा, जिसका, जिसके, जिसकी, जब, तब, ये शब्द जहाँ पर वाक्य में हो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती यानी कि ये प्रधान उपवाक्य है तो फसल अच्छी होती, तो आश्रित यानी कि आश्रय किस पे, फसल किस पे आश्रित हुई, वर्षा पे। तो एक प्रधान उपवाक्य, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जहां वाक्य में हो वहां मिश्रित वाक्य होता है। तो हमने जान लिया है, एक बार फिर से दोहरा देती हूं कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। रचना की दृष्टि से तीन भेद होते हैं वाक्य के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य कौन से वाक्य में होते हैं, तो मिश्रित उसका आंसर आएगा, या मिश्र वाक्य में होते हैं। या फिर कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को किसी योजक से जोड़ा जाता है तो वहां कौन सा वाक्य होता है, वहां संयुक्त वाक्य होता है। जहां एक उद्देश्य और एक विधेय हो वहां कौन सा वाक्य होता है, वहां सरल वाक्य होता है। इस प्रकार से वाक्य के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, इनको बार बार अभ्यास करके देखना, सफलता जरूर हासिल होती है, ठीक है। धन्यवाद।